अगर हम विदेश नीति की बात करें तो खाड़ी के साथ जो हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं उसके लिए बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरवेंशन, आपको सम्मान भी दिया गया था वहाँ पर। तो चाहे ईस्ट एशिया हो या वेस्ट एशिया हो, इसमें पर्सनालिटी पॉलिटिक्स कहाँ तक इम्पोर्टेंट है कि आप उनके जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं उनके साथ आपका वाइबिंग होता है, आप उनके साथ बातचीत करते हैं और वो फिल्टर डाउन होता है, फिर कहाँ तक इसमें पर्सनालिटी पॉलिटिक्स भी है? मैं समझता हूँ कि इसके अलग अलग व्यू हो सकते हैं और सब सही हो सकते हैं। एक मत स्ट्रांग है कि पर्सनालिटी कल्ट या पर्सनल रिलेशन ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं डाले थे। एक मत है, स्ट्रांग मत है। मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी अगर प्रोटोकॉल में फंसी रहेगी तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमेसी की ताकत भी इनफॉर्मल में भी है, प्रोटोकॉल में ही ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल में ज़्यादा पोजीशनिंग होता है, पहले कौन आएगा, पहले कौन हाथ मिलाएगा वगैरह, उसी में समय जाता है। तो मैंने शुरू से देखा कि भाई जैसे मेरी शपथ हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने तय किया कि मैं सार्क देशों को, 2014 की शपथ में, हाँ 2000 पहला पहली बार में पहली बना, बार सार्क देशों को बनाने का मेरे मन में विचार आया। और उसके पीछे कारण ये था क्योंकि मेरा चुनाव प्रचार में मुझ पर आरोप एक ही था कि ये मोदी जो कि राज्य से आया है ये देश की राजनीति क्या समझेगा, विदेश नीति क्या समझेगा, ये तो डुबो देगा। ये चुनाव प्रचार का मेरा उस खिलाफ के जो मुद्दे थे उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, सब लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। तो मुझे लगा इनको एक ही एक्शन से मुझे जवाब दे देना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से तो मैंने शपथ समारोह में सार्क देशों को बुलाया। उसके पहले मैंने बैक चैनल से उन सबसे सहमति ले ली थी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई, और सब लोग आए। मेरा शपथ हुआ, फॉरेन मिनिस्टर अभी तो हमारा बना भी नहीं था, और मैं इन सारी चीजों से बिल्कुल नया था, बिल्कुल अनभिज्ञ था। लेकिन बायलेटरल सबके साथ होना था। जब हम लोग हैदराबाद हाउस में गए तो मुझे समझाया सब प्रोटोकॉल वालों के साथ, ऐसा होगा, वो आएंगे, आप ऐसा कहेंगे सर। जब समय हुआ आना शुरू, मैंने कहा ऐसा करो मैं बाहर जाता हूँ उनको लेने के लिए, तो सारी सिस्टम हिल गई थी कि यार अपने प्रधानमंत्री गेट पर जाएंगे। सारी मेरी MEA की प्रोटोकॉल की जो दुनिया थी ना, उसके लिए वो पहला ही दिन बड़ा गजब होता, और मेरे लिए वो एक एक्शन सारे मेरे दरवाजे खोल दिए थे। और इसलिए मैं प्रोटोकॉल में बंधने के बजाय परफॉर्मेंस पर फोकस करके डिप्लोमेसी के लेवल को शिफ्ट करने का प्रयास किया, और उसमें मुझे सफलता मिली है।